Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखिए मेरे लिए लड़की पसंद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए लड़की पसंद कर चुका हूँ, इसलिए आप जहमत बिल्कुल ना करें। कौन है वो? हाँ, अब तुम तो मिलती नहीं हो, तो मुझे ही आना पड़ा तुमसे मिलने। पता नहीं क्यों आजकल तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है। अच्छा, तो आप मुझसे मिलने आए, तो फिर ये क्या? नहीं, इन पेपर्स पे अंकल के सिग्नेचर चाहिए थे, वो जल्दी घर आ गए इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ए, बाबा आप बैठिए। बिजी हो? नहीं, बस वैसे ही। ये सब देख के तो लगता है कि तुम काफी मसरूफ हो। हाँ, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज आए हुए हैं, तो उन्हीं को फाइनल करना था। तो क्या हो गया? बस अभी फ्री हुआ। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह लगन से काम करता हुआ देखकर। जी, आप बताइए, कुछ काम था क्या आपको? वो भारत ने तुमसे कोई बात की थी, मेरा मतलब है कि शादी के बारे में की थी। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने मना कर दिया। क्यों? अरे बेटा, अपने बाबा को नहीं बताओगे? बाबा वो जवाब मैं जानता हूं, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बाबा आप उसको जानते हैं, मैं बस मुनासिब मौके और सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। बेटा मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला लोगे मुझे अपने साथ पाओगे। बैठो, अपना काम करो, मैं चलता हूं। वैसे अजीब पागल सी लड़की है, पहले बदतमीजी करती है फिर बाद में सॉरी सॉरी कहती रहती है। वो ऐसी ही है, मैंने आपसे कहा था ना कि वो दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से की जरा तेज है। हैप्पी बर्थडे अंकल। अरे थैंक यू सो मच। आओ बेटा आओ। ये आपके लिए। थैंक यू। ये रख लो। आई होप मेरी वजह से आपका फैमिली फंक्शन डिस्टर्ब ना हुआ हो। अरे नहीं शाह बेटा, कैसी बातें करते हो, अब तो तुम भी हमारे फैमिली मेंबर हो। नेदा, चाय। सर का दर्द कुछ बेहतर हुआ? बेहतर है। नेदा, तुम ठीक कह रही हो ना कि कोई मसला नहीं है? मैंने कहा ना है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, परेशान मत हो। वैसे शहाब आया था? हाँ आया था, उसे डैडी से कुछ पेपर साइन करवाने थे इसलिए आया था। बाय द वे, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। मेरी तारीफ? वैसे तो इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो यकीन कर लेती हूँ। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुमने बहुत जल्दी काम पिक किया है और बहुत जल्दी सारा काम सीख लिया है। और क्या? और यही कि अगर तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम दो तो डैडी का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकती हो। अच्छा, मैं भी आती हूँ। अरे निदा, चाय तो पी लो। नहीं, जरा एक फ्रेंड को इम्पोर्टेंट कॉल कर लूं। ओके। हेलो, क्या सच में शहाब ने मेरी तारीफ की होगी? कहीं है ना मुझे तंग करने के लिए तो ये सब नहीं बोल रही, लेकिन सिर्फ काम की तारीफ की, मेरी तारीफ नहीं की। मगर मेरी तारीफ वो हिना से क्यों करेगा?
इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ। क्या क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन कॉल इस वक्त? क्यों, मैं तुम्हें सब फोन नहीं कर सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकते? तो क्या हो रहा था? कुछ खास नहीं, मैं और निदा बातें कर रहे थे। मैं उसे बता रही थी कि आपने उसकी बहुत तारीफ की और आप उसकी प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं। तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वैसे अजीब पागल सी लड़की है, पहले बदतमीजी करती है फिर बाद में सॉरी सॉरी कहती रहती है। वो ऐसी ही है, मैंने आपसे कहा था ना कि वो दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से की जरा तेज है। आपने अभी उसे जाना नहीं है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। और मुझे जरूरत भी नहीं है उसे जानने की। खैर छोड़ो ना, कोई और बात करो। जानती हो, मैं सारा दिन इंतजार करता रहता हूँ कि कब तुमसे बात होगी। खुली आंखों में सपना झांकता है, वो सोया है कि कुछ कुछ जागता है। तेरी चाहत के भीगे जंगलों में मेरा तन मोर बन के नाचता है। मुझे हर कैफियत में क्यों ना समझे, वो मेरे सब हवाले जानता है। मैं उसकी दस्तरस में हूं, मगर वो मुझे मेरी रजा से मांगता है। किसी के ध्यान में डूबा हुआ बादल बहाने से मुझे भी डालता है। सड़क को छोड़ कर चलना पड़ेगा कि मेरे घर का कच्चा रास्ता है। उफ, हे ना, क्या हर वक्त तुम शायरी पढ़ती रहती हो? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, बदजौक लड़की। क्यों, मैं क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि मेरी बहन, ये तुम्हारे बस के काम नहीं है। देखो है ना, मुझे किसी बात से चैलेंज मत करना, क्योंकि ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जो मेरे बस से बाहर हो। अच्छा ठीक है ना, छोड़ो ये बातें। तुम्हें पता है आज डैडी का बर्थडे? अरे हाँ, आज तो डैडी का बर्थडे। ओ गॉड, मेरे जहन से कैसे निकल गया। कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। चलो डैडी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदते हैं, उनको सरप्राइज देंगे। तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? हाँ, मैं गई थी डैडी के लिए गिफ्ट लेने, मगर मगर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैं खाली हाथ ही वापस आ गई। तो चलो अब कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन क्या प्लान करें, क्या प्लान करें? आइडिया, चलो तुम मेरे साथ। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे उसके सामने, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। अगर उसने इनकार कर दिया तो? नहीं नहीं, मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है। आज जंगल की बर्थडे में जा तो रहा हूं, बस हिम्मत करके उसको कह दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं। बन गया हिना, देखो मेरा केक बन गया। वाओ अम, अभी बहुत जल्दी करो शावेज, तुम दोनों का पूछ रहा था बेटा, मैं उसे बड़ी मुश्किल से बाहर रोक कर आई हूँ। बस अम्मा भी सब कुछ रेडी है, चलो इन्हें डैडी को बुला के लाते हैं। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। आए 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 डैडी, जल्दी आए, फौरन आ जाए। अरे बेटा बिल्कुल आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, आप चीटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बेटा गिर ना जाऊं। बन बन बन, बस एक मिनट, एक मिनट बैठ जा, कहाँ? यहाँ बैठ।
जाए ना। Now, 1, 2, 3, open your eyes. Happy birthday. सालगिरह मुबारक हो बेटा। थैंक यू आंटी। क्या हुआ डैडी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं बेटा, बस। छुपाने की कोशिश मत करें डैडी, साफ नजर आ रहा है कि आपकी आंखें भीगी हुई हैं। ये तो खुशी के आंसू हैं बेटा कि मेरी बेटियां मुझसे कितनी मोहब्बत करती। डैडी, आपने भी तो हमें माँ के साथ साथ बाप का प्यार भी दिया, और आपने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे छोड़ो बेटा ये बातें, इस खुशी के मौके पे कहाँ तुम लोगों ने ये टॉपिक चेंज कर दिया है। और पता है बेटा, आज ये केक किसने बनाया है? किसने बनाया? निधा ने बनाया डैडी। वाकई? सीरियसली? ये तो बड़ी हैरानगी की बात है भाई, ये केक बन कैसे गया? डैडी सॉरी, दिखने में तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई बेटा, आप केक भी काट लो। हाँ रुक जाए, पहले मैं कैंडल्स तो जला लूं। हैप्पी बर्थडे अंकल। अरे थैंक यू सो मच। आओ बेटा आओ। ये आपके लिए। थैंक यू, ये रख लो। आई होप मेरी वजह से आपका फैमिली फंक्शन डिस्टर्ब ना हुआ हो। अरे नहीं शाह बेटा, कैसी बातें करते हो, अब तो तुम भी हमारे फैमिली मेंबर हो, तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो। बैठो बैठो। जी ठीक है। अच्छा किया शाह बेटे तुम आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डैडी आपने इनवाइट नहीं किया था? अरे भाई मुझे पता होता कि इस तरह के इंतजाम हुए हैं तो मैं इसको क्या दुरानी को भी इनवाइट करता, काफी दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई थी। अंकल आपकी ये उलझन मैं हल कर देता हूँ। दरअसल कुछ रोज पहले मेरी हिना से एक मॉल में मुलाकात हुई थी। हिना से? एक्चुअली हिना वहाँ पे अंकल के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी, तो बातों ही बातों में पता चला कि अंकल का बर्थडे, हम लोगों ने फिर साथ में कॉफी भी पी, और कॉफी पीने के दौरान मैंने अपने आप को जबरदस्ती इनवाइट कर लिया। जबरदस्ती क्यों? क्योंकि बकौल हिना के ये आप लोगों का फैमिली फंक्शन था। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छा किया तुम आ गए, इस फंक्शन में बस एक बेटी की ही कमी थी। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। परवीन, चलो भाई खाना लगा दो। हिना, तुम शाह के साथ कॉफी पीने गई थी? वो तो उसने इतना इसरार किया इसलिए कॉफी पीनी पड़ी। और तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसे बताती निदा, उसी दिन तुमने शाह को लेकर मुझसे इतना झगड़ा किया था। क्या कही थी तुम कि मैं और शाह तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मैंने तुम्हारे मूड को देखते हुए जिक्र नहीं किया, और मुझे क्या पता था कि वो सचमुच में आ जाएगा। मैं तो समझी कि वो ऐसे ही कह रहा है, मैंने भी कह दिया कि आ जाना। तुम सच कह रही हो? और क्या निदा, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? वैसे अब आ गया है तो हम करें क्या? करना क्या है, खाना खिलाते हैं और क्या। वैसे भी वो थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन देखो निदा, आज वो हमारा मेहमान है। प्लीज अपना मूड ठीक रखना और कोई ऐसी वैसी बात मत करना। अब तो तुम उसके साथ काम भी कर रही हो। हाँ हाँ मालूम है मुझे, मगर है बहुत सड़ियल। क्यों, अब क्या किया है उसने? कुछ नहीं। अच्छा तुम खाना देखो, मैं डैडी को देख के आती हूँ। परवीन कहाँ रह गई है भाई, जल्दी लगवाए खाना। अच्छा तो कैसा लगा आपको हमारा फैमिली फंक्शन? बहुत मजा आया।
फूड बहुत अच्छा था. रियली? एक्चुअली हिना, आई एम इन लव विद यू. जी देखो आमिर, तुम्हें मुझसे मिलना है ना तो हम मिल लेते हैं किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में, जिस तरह हम हमेशा मिलते हैं. नहीं नेता, पहले की बात और थी, अब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओगी क्योंकि तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो. और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा तुम्हारे घर और वहां के सबके सामने अपनी जान दे दूंगा. नहीं नेता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे इस तरह अवॉइड नहीं कर सकती. निदा नहीं, ये ज्यादती कर रही हो तुम मेरे साथ. तुमने मेरी लाइन काट के अच्छा नहीं किया निदा, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही निदा. निदा, काफी देर से तुम्हारी कॉल आ रही है, रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? जस्ट अ फ्रेंड, मैं बाद में बात कर लूंगी. देख लो, कोई इमरजेंसी होगी, कोई खामखा इतनी कॉल नहीं करता है. जी वैसे है कौन? आमिर है, बताया तो था. हाँ तो आप खाने के बारे में कुछ बता रहे थे. खाना excuse me. है ना, मैं आज तुमसे एक बहुत खास बात कहने आया था. अच्छा, तो फिर कहा क्यों नहीं? अरे मौका ही कहाँ मिला मुझे, मैं तो खुद चाह रहा था कि इसकी कोई फोन कॉल आए और यहाँ से चली जाए. तो अच्छा हुआ ये खुद ही चली गई यहाँ से, ना मेरा यहाँ आना तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता. लेकिन ऐसी क्या बात है जो आप निदा के सामने नहीं कह सकते थे? ओ, बात ही कुछ ऐसी थी. इसलिए ना, आई एम इन लव विद यू. जी आपको पता आप क्या कह रहे हैं? ना मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ. मैं आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अफेयर्स पे बिलीव करते हैं. मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती. ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अचानक है, लेकिन मुझे भी कोई जल्दी नहीं. मैं कयामत तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ. एक एहसास है जो मुझे तुम्हारे करीब लाता है. यूं लगता है जैसे हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका है. मैं तो सिर्फ इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ. तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए ले लो, तुम्हारा वेट करूं. बाय. ये सब क्या है आमिर? जब दिल चाहते तुम उठा के फोन कर देते हो. तुम्हें पता है मुझे सबके सामने कितनी एम्बैरेसमेंट फील होती है. तुमसे तो दोस्ती करना महंगा पड़ गया मुझे. और मेरी परेशानी, मेरी बेचैनी, इसका एहसास है तुम्हें? निदा, जब तुम बार बार मेरी कॉल काटती हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है. तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए बेचैन रहता हूँ और तुम तो बार बार मेरी कॉल इस तरह से काट देती हो. अगर यही सब करना था तो मुझे अपना आदि क्यों बनाया था तुमने? और तुमने तो कहा था तुम उससे मिलने आओगी,
अब तुम्हें आना पड़ेगा नेता, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। आमिर, अभी कल तो हम मिले हैं। उसे मिलना नहीं, मिलने के लिए राजी करना कहते हैं नेता। और इस कल और आज में 24 घंटे होते हैं नेता। जानती हो नेता, कैसे गुजारे होंगे मैंने ये 24 घंटे तुम्हारे बगैर। अब तो एक एक लम्हा तुम्हारे बगैर नामुमकिन है नेता। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आमिर, मेरी बात तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं रोज रोज तुमसे नहीं मिल सकती। मैं हर बार तुम्हारी कॉल अटेंड करके तुमसे बात नहीं कर सकती। आमिर, मैं समझ सकता हूँ नेता, मगर मैं क्या करूँ? कैसे समझाऊं इस दिल को जो हर वक्त सिर्फ तुम्हें चाहता है? देखो नेता, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं इसी तरह बार बार तुम्हें कॉल करता रहूंगा। क्या मांग रहा हूं मैं तुमसे? यही तो कहता हूं कि कभी कभी मुझसे मिल लिया करो तुम। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल मिल लूंगी। ओके ओके डन, लेकिन तुम्हें मेरे घर आना होगा। क्या? हाँ मेरे घर। देखो नेता, तुमने पहले भी वादा किया था, तुम भूल गई क्या? तुम्हारे घर? मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। देखो आमिर, तुम्हें मुझसे मिलना है ना तो हम मिल लेते हैं किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में, जिस तरह हम हमेशा मिलते हैं। नहीं नेता, पहले की बात और थी, अब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा तुम्हारे घर, और वहां के सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। And I hope के तुम ये नहीं चाहोगी, स्पेशली अभी। हेलो, जनाब, आई एम इन लव विद यू। मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती। जनाब, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अचानक है, लेकिन मुझे भी कोई जल्दी नहीं। मैं कयामत तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। एक एहसास है जो मुझे तुम्हारे करीब लाता है। यूं लगता है जैसे हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका है। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं उससे? मुझे क्या पता था जरा सी दोस्ती गले में पड़ जाएगी। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। उस पागल ने अगर अपनी जान ले ली तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। किससे बात करूं? हिना से? नहीं, वो तो पहले ही मेरे दोस्तों के खिलाफ है। मगर क्या कहूंगी कि वो कौन है? वो तो मेरे सब दोस्तों को, क्लास फेलोज को जानती है। डैडी, आप? हाँ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम भी जाग रही होगी तो तुमसे मिलता चलूं। क्या करूं, बाबा को बता दूं? नहीं 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 नहीं, पापा परेशान हो जाएंगे। नीता बेटा, क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी डैडी, वो थोड़ा थक तो गई हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही बेटा? तबीयत सही है तुम्हारी? और ये इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ निता बेटा, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मम्मा की याद आ रही है। अगर वो आज होती तो कितना अच्छा होता। हाँ बेटा, सही कह रही हो। अक्सर खुशी के मौके पर खोए हुए लोगों की याद तो आती है,
अच्छा अब तुम ये रोना धोना बंद करो और सो जाओ, कल आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है और ऑफिस भी, है ना? जाना है ना? शाबाश, उठो चलो। अम्मा भी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा अकेले जा रही हो, निदा कहाँ है? निदा शायद नहीं जाएगी, मैं गई थी उसके कमरे में उसे उठाने, मगर वो इतने सुकून से सो रही थी कि मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उसे उठाऊं, शायद रात में ठीक से नहीं सोई। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। चलो जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग निदा। आमिर सुबह सुबह तो मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज, मैं पूरी रात की जागी हुई। सारी रात तो मैं भी नहीं सोया, लेकिन सिर्फ तुमसे मिलने की खुशी में। फोन भी इसीलिए किया कि तुम्हें याद दिला दूं, आज आज हमें मिलना है ना। मुझे याद है निदा। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं, किससे कहूं, किससे बात करूं? वो मुझे अपने घर क्यों बुला रहा है? वो चाहता क्या है मुझसे? और मैं क्यों जाऊं उससे मिलने? वो भी उसके घर? अगर उसने कोई गलत हरकत की तो मैं क्या करूंगी? लेकिन अगर वो यहां मेरे घर आ गया, क्या जवाब दूंगी मैं सबको? डैडी को, अम्मा बी को, हिना, सब। मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकती। या अल्लाह, क्या करूं मैं उसका? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं उसे मिली थी। आपको जानता हूं। कैसे? एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में देखा था आपको, तब से ये खूबसूरत चेहरा आंखों से हटता ही नहीं। बहुत ही बेवकूफ हो तुम, एक बर्थडे पार्टी में देखकर मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या मेरा मतलब है कि मैं कभी किसी के साथ इस तरह गई नहीं हूँ ना, इसलिए। तुम उस पे भरोसा तो करती हो ना शहाब? एक लड़के और लड़की का इस तरह तन्हाई में मिलना कोई अच्छी बात तो नहीं है। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेले दुखों के हर सू लगे हैं। जो